प्रेमी श्रोताओं, श्री बालाजी कैसेट कंपनी के माध्यम से श्री जयकिशन गोहनिया पेश करते हैं राम वनवास का भाग नंबर 2। जी हां, राम वनवास के भाग नंबर 1 की अपार सफलता के बाद पेश है राम वनवास का भाग नंबर 2, जिसके गायक कलाकार हैं सतपाल रोहटिया व साथी, जिसके प्यारे प्यारे भजन लिखे हैं मेरे छोटे भाई नरेश कुमार घुणिया ने, जिसमें संगीत दे रहे हैं ये बैंजू की मीठी मीठी धुन जो आपके दिमाग में है, भाई मोहन सिंह भैसरू कला वाले। तो सुनिए राम वनवास भाग नंबर 2। धन्यवाद। जब हे सुना बने वास दशरथ ने चाल दिए बनकी राही हो राम, जब हे सुना बने वास दशरथ ने चाल दिए बनकी राही हो राम, हम ते पिताजी चाल दिए की सुन के रोही जनक की जाई हो राम, अपने पति के बने वास की सुन के रोही जनक की जाई हो राम, मैं भी पति जी तेरी गल चलूंगी कव जनक की जाई हो राम, छोटा मोसी रहे प्यारी हो राम, तेरी मोसी ने दिया द छोटा मोसी बनी है प्यारी हो राम, राम लखन चले दोनों हो भाई संग में सीता पे चारी हो राम, राम लखन चले दोनों हो भाई संग में सीता पे चारी हो राम। मोसी के कहते दिया दस
अपने पुत्रों के मोह में संयोगवश, जैसा कि आपको पता है कि जिस वक्त राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए थे, वहां पर जब श्रवण कुमार के माता पिता को लेकर वो श्रवण जा रहा था, तो श्रवण पानी लेने के लिए अपने माता पिता के लिए एक तालाब में जाता है, तो वहां पर तालाब के पानी की आवाज आती है, तो राजा दशरथ समझते हैं कि कोई दुश्मन आ गया है या कोई शेर है, तो राजा दशरथ वहां से तीर चलाते हैं और सीधा श्रवण के छाती पर लगता है। उसके बाद तब उसके माता पिता को पता चलता है, तो श्रवण कुमार के माता पिता, अंधे माता पिता राजा दशरथ को इसी तरह वियोग का जो श्राप दिया था वो यहाँ पर किस तरह वर्णन किया है सुनिए। बेटा के हेज में राजा पड़कर मर गया, रानी ते श्राप दे गया हो राम। बेटा के हेज में राजा पड़कर मर गया, रानी ते श्राप दे गया हो राम। चल दिए मौसी की करिए मन चाही हो राम। हम ते पिताजी चल दिए मौसी की करिए मन चाही हो राम।
हमने प्यास से लगी आई ओ राम, भूख प्यास ने व्याकुल कर लिए, बाई ना जाती बद बताई हो राम, भूख प्यास ने व्याकुल कर लिए, बाई ना जाती बद बताई हो राम, मारे करम रोटी खोश लई मोसी हत्यारी राम, मारे करम में कितकीर रोटी खोश लई मोसी हत्यारी राम, इतनी ये सुन के लुसमुन रोवण लाया, समझावे सीता पे चर हो राम, रोवण लाया समझावे सीता बेचारी हो राम, भोजन करो तुम भगवन राम, इतने में भीलनी बेर ले आई, भोजन करो भगवन हो राम, राम लखन झूठे बेर बेखाए, हे ईश्वर तेरी माया हो राम, राम लखन झूठे बेर बेखाए, घर पर आता है उसको पता चलता है कि उसके बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 14 साल के वनवास के लिए चले गए हैं। वो सीधा वन में जाता है और अपने भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, भाई लक्ष्मण व माता सीता को ढूंढते हैं। किस तरह से वो विलाप करते हैं सुनिए एक भजन के माध्यम से। कितन लोग प्रिया होते बोलिए यो, बोले राम तेरा भाई रे, भाई जैसी चीज जगत में ना तो है ते पाई रे, पाट पाट कही आया वे जन का चेतन तटता रे, रो रो कर मेरी आँख सूजगी दलदा चेतन तटता रे, पाट पाट कही आया वे जन का चेतन तटता रे, एक बहिया के दर्स दिखाते हो जा मन की चाही रे, भाई जैसी चीज जगत में ना तो है ते पाई रे, इधर
जाता रे बीच बड़ा मैं रुके मारू राम क्यों ना आता रे भाई भाई कह के हल्क सूख गया बोला भी ना जाता रे बीच बड़ा मैं रुके मारू राम क्यों ना आता रे माने के रे बोली मारी आके पता मेरे भाई रे भाई जैसी चीज जगत में ना टोए ते ठोकर मारू आज सबर कर मेरे तुझे जन्म का बैर दिखाया राम आज यूं तेरे पे राज तलक पैर ठोकर मारू आज सबर कर मेरे पे कौन टाल दे तेरे हुक्म नर कौन टाल दे तेरे हुक्म नर चढ़ी किसी कर डाई रे भाई जैसी चीज जगत में ना छोए दे पाई बनवास हो हरियाणे के मजला सुनी पत काम यो गुणा खास हो नरेश कुमार रोवन लाग्या जब सुन तेरा बनवास हो हरियाणे के मजला सुनी पत काम यो गुणा खास हो गहरी नदिया नाव पुरानी परले पार लगा दे रे भाई जैसी चीज जगत में ना छोए ते पाई भाई जैसी चीज जगत में ना टोए ते पाई लोक रहा हो ते बोलिए यो बोल राम तेरा भाई रे भाई जैसी चीज जगत में ना टोए ते पाई लोक रहा हो ते बोलिए बोल राम तेरा भाई रे भाई जैसी चीज जगत में ना टोए ते भाई भारत श्री राम को ढूंढते ढूंढते वनों में इधर से उधर भटकते रहते हैं तो आखिर में उसकी मंजिल पा ही जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व माता सीता व उसके भ्राता श्री लक्ष्मण उनको मिल जाते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं। उनसे मिलकर उनके भ्राता श्री भरत उनसे विनती करते हैं कि हे भाई आप वापिस अयोध्या नगरी में चलो, आप क्यों आ गए, तनिक मुझे तो आले नहीं दिया होता, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे बताने का कष्ट करें। तो एक भजन के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने भाई भरत को कैसे समझाते हैं सुनिए। बात भारत ना जाति बात बताई रे मौसी ने क्यों दिया रे दसोटा ना बात समझ में आई रे के बुझेगा बात भारत ना जाति बात बताई रे
मौसी ने चू दिया दसोटाना बात समझ में आई रे। मेरे छोटे भाई लाडले भरत, मैं क्या करता, हमें अपने पिता श्री राजा दशरथ का आदेश तो मानना ही था ना। जाया क्यों दया करे थी मेरी रे। कहने लगा कि भाई भरत, माता के कई तो हम माता कहते हैं, लेकिन मैं उसके पेट का जाया नहीं था, इसीलिए माता के कई ने हमें वनवास के लिए भिजवा दिया। के था रे मैं पेट का जाया क्यों दया करे थी मेरी रे। क्यों किस्मत मेरी फोड़ी रे, कटारी लेकर सर पर चढ़ेगी बनेगी घड़ी कसाई रे। के बुझेगा बात भरत ना जाती बात बताई रे। मौसी ने क्यों दिया रे दसोटा ना बात समझ में आई रे। माँ कौशल्या और माता केकई और माता सुमित्रा का हाल तो मुझे बताओ, किस तरह से हाल भरत से पूछता है सुनिए। मेरी माँ का हाल बता दे कह के साची बात रे, रो रो के नीर बहावे क्यों कर काटे रात रे। माँ की ममता प्यारी हो सके नहीं मेरी तसाई रे। के बुझेगा बात भरत ना जाती बात बताई रे। मौसी ने क्यों दिया दसोटा ना बात समझ में आई रे। अपने मुंह ते बुरा कहूं ना मौसी से घणी न्यारी रे। दोनों ते माया दयावे को सलमा घणी प्यारी रे। अपने मुंह ते बुरा कहूं ना मौसी से घणी न्यारी रे। रो रो के मेरा हालत सूख जाना माँ की बात बताई रे। के बुझेगा बात भरत ना जाती बात बताई रे। मौसी ने क्यों दिया रे दसोटा ना बात समझ में आई रे। यार करे से जल में गणी नरमाई रे। के बुझेगा बात भरत ना जाती बात बताई रे।
मौसी ने क्यों दिया रे दसोटना, बात समझ में आई रे के बुझेगा भारत न जाती, बिल्कुल बात बताई रे। मारे कर